सब, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो और अल्लाह ताला आप सब के लिए हर दिन हजारों खुशियां वाला करे। तो जी आज बच्चों के लिए बना रही थी, चिकन के रोल बना रही थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये है जी कि मैं इसमें थोड़ी चीज़ का हाथ हल्का रखूँगी, आप लोग चाहें तो चीज़ वगैरह ज़्यादा डाल सकते हैं। तो बनाते हैं। ये जी मैंने लिया है 1/2 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्ची है, सूखा धनिया 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर है और 1 टीस्पून मैंने कुटी मिर्ची ली है। मैंने आधा प्याज लिया फ्रेश और मैंने तकरीबन 3 से 4 थे मेरे पास ग्रीन ऑनियन, वो काट लिया। 2-3 हरी मिर्ची थी साथ में और एक शिमला मिर्ची ले ली है मैंने ग्रीन कलर की, और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मेरे पास क्रीम के। तो जो धनिया नहीं बस मैंने दिखाया, धनिया बाद में मैं उसको ड्राई करके खुशक करके फिर काटूंगी। ये मेरे पास 1 kg से ऊपर ही था जी चिकन, मैंने इसको बॉईल कर दिया। इसमें नमक और काली मिर्च डाल के मैंने बॉईल किया और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल दिया था। ये तकरीबन मैंने 3 से 4 जमे लिए हैं लहसुन की, इनको हाथ से मैंने चॉप कर लिया है। तो जी मैं ऑलिव ऑयल में बनाऊंगी, आपकी अपनी मर्जी है, जिसमें मर्जी बना सकते हैं आप। तकरीबन इसको मैंने 5 मिनट भून लिए डाल के लहसुन के साथ ही, बस अब इसमें मैं नमक मिर्ची क्रीम वगैरह सब चीज़ें ऐड कर दूंगी। मैदा है, 2 कप हमने दूध लेना है, ये भी रूम टेम्परेचर में है, इसको गर्म नहीं जी मैंने किया, इसी साइज़ के 2 कप लेने हैं हमने। और ये 80 ग्राम मेरे पास बटर है, तो इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, सॉफ्ट किया है क्योंकि यहाँ पे सर्दी बहुत है, काफ़ी सख्त है जी। 2 अंडे हैं मेरे पास और 2 टीस्पून नमक है, 1.5 मैंने यीस्ट का पैकेट ले लिया। ये जी इसको मैंने तकरीबन 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो बस अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करूँगी और साथ नमक ऐड कर दूँगी। आपने देखा है कि वो मैंने उसी चम्मच की मदद से, जो जिसे हम दही को फेंटती हूँ ना, मैंने उसी की मदद से सब किया था, तो उससे मैंने अब निकाला जी। तो अब ये इस कंडीशन में है, आप देख लें, अब इसमें बटर ऐड करके तो इसको गूंदूंगी मैं। आपने देखा माशाल्लाह कितनी ही सॉफ्ट और अच्छी डो बन गई है। बस इसको यही तरीका होता है कि जैसे मैंने आपको दिखाया आटे की तरह नहीं गूंदना, तो बस थोड़ा सा टाइम लगता है एक्स्ट्रा, आम डो पे ज़रा जी बड़ा आसान है, या थोड़ी सी मेहनत है, 5 मिनट का काम है। तो एक दफ़ा मैंने हाथों को अपने ऑयल लगा लिया था, ये जो आपने देखा जी मेरे हाथ मैंने धोए, वॉश नहीं किए, वैसे गूंदते साथ खुद ही क्लीन हो गया हर चीज़। तो आई होप अच्छे बनेंगे और आपको पसंद आएंगे। अब इसको हम 1 घंटे के लिए छोड़ेंगे, जैसे इसका साइज़ डबल होता तो बनाती हूँ मैं।
अंडे में मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है और मैंने दो शेप के रोल बना दिए हैं ताकि आप लोग भी जौन सा दिल करे बना लें। हमारे बन रेडी हो गए हुए हैं माशाल्लाह, इंतहाई सॉफ्ट हैं ये। बस इसकी डो सेम जैसे मैंने कल, आप कोई भी बन वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें रेसिपी बस ये, इसमें डो का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें डो इस तरीके से ही बनानी पड़ेगी, क्योंकि इससे इतने फ्लफी और इतने मज़े के हैं कि बस काफ़ी सॉफ्ट है, मज़े के। तो आई होप आपको पसंद आएगी। और ये जी के टेम्परेचर 160 से 180 के दरमियान में आप रखिएगा। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जज़ाकअल्लाह, इंशाल्लाह कल मुलाकात करेंगे आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।